नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केला लिली के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। केला लिली के बल्ब कैसे लगाएं और साथ ही उनका पॉटिंग मिक्स कैसा हो, ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इसमें केला लिली के तीन बल्ब करीब 30 से 40 दिन पहले मैंने लगाए थे। अभी आप देख रहे हैं इसका लेटेस्ट अपडेट। अभी कुछ दिनों से दिन का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ गया है, सो इसका असर केला की पत्तियों में भी क्लियर दिख रहा है। जनरली केला लिली गर्मियों में फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, बट 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके बल्ब आप फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। अगर आपके वहाँ अप्रैल मई जून में टेम्परेचर 35 से ज़्यादा नहीं हो जाता है, तो फरवरी मार्च का बल्ब जो है वो फ्लावरिंग कर जाएगा, नहीं तो आप बल्ब को जो है वो अब इस टाइम में लगा सकते हैं, ताकि विंटर में इसकी लीफी ग्रोथ हो जाए और फिर समर स्टार्टिंग में फ्लावरिंग के चांसेस बने रहेंगे। वैसे बल्ब वाले प्लांट में कभी कभी फ्लावरिंग नेक्स्ट ईयर भी होती है, ये सब आपके वेदर कंडीशन और बल्ब की साइज पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए आपको 40 दिन पहले ले चलता हूँ। ये मेरे हाथ में आप केला लिली के बल्ब जो है वो देख रहे हैं। आपने खूब टाइप की लिलीज लगाई होगी, बट केला लिली अपने आप में स्पेशल है। इसके बल्ब का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से बल्ब को शो करेंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बल्ब की साइज कैसी भी हो सकती है, बट लगाने का तरीका सही हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केला लिली वैसे तो समर फ्लावरिंग वाला प्लांट है, बट समर में डायरेक्ट सनलाइट में ये नहीं रह पाएगा। अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है, सो इसको फुल डे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, जहां दिन का टेम्परेचर 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समर के टाइम में इसको आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए और रेस्ट डे जस्ट ब्राइट लाइट आ जाए, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि बल्ब को शो कैसे करना है। बल्ब की ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से स्प्राउट्स निकलेगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा और नीचे वाला जो फ्लैट टाइप दिखाई दे रहा है ये नीचे रहेगा। तो आपको बल्ब इस टाइप से लगाना है। अब आपका बल्ब अगर आपने ऑनलाइन मंगवाया है, दैट मीन्स ये ट्रेवल करके आया है, तो आपको इसे फंगिसाइड ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। ये बल्ब 5 से 10 दिनों के लिए पार्सल में पैक रहा है, तो फंगस का इश्यू रह सकता है, सो फंगिसाइड का यूज ज़रूर कीजिए। यहाँ मैंने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फंगिसाइड अच्छे से मिक्स कर रखा है और इसमें 10 से 15 मिनट के लिए बल्ब को जो है वो डाल के रखने वाला हूँ। तो अभी 15 मिनट करीब हो चुके हैं। बल्ब को बाहर निकालने से पहले पॉटिंग मिक्स और पॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ 6 से 7 इंच का HDPE ग्रो बैग लिया है, जिसमें अच्छे से ड्रेनेज हॉल भी बने हुए हैं। आप किसी भी टाइप का पॉट यूज करें, बट ड्रेनेज हॉल का स्पेशल ख्याल रखें। पॉटिंग मिक्स में मैंने 40% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और रेस्ट 10% में मैंने नीम केक, बॉन मील और सीवीड के कुछ दाने लिए हैं। ऑल ओवर पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन होना चाहिए। तो अभी बल्ब को फंगिसाइड वाले पानी से बाहर निकाल लेते हैं।
इस पानी का भी हम यूज़ करेंगे, सो इसको बाहर फेंकना नहीं है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि बल्ब को सॉइल में कैसे रखना है। बल्ब को पॉट में ऐसे लगाना है कि इसके ऊपर 1 से 1.5 इंच का पॉटिंग मिक्स इजीली आ जाए। आप जब भी पॉट में पॉटिंग मिक्स भरें तब उसे 75-80% तक ही फिल कीजिए। रेस्ट पार्ट वाटरिंग एंड फर्दर मोर कंपोस्ट वगैरह ऐड करने के लिए ज़रूर रखें। यहाँ मैं 3 बल्ब लगा रहा हूँ, आप पॉट साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास राउंड टाइप का बैग है, आपके पास दूसरा रेक्टेंगल टाइप का भी हो सकता है। बल्ब को सेम पॉटिंग मिक्स से कवर कर लेना है, बल्ब का कोई भी पार्ट जो है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए। आप यहां अच्छे से देख सकते हैं कि बल्ब जो है पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब वही फंगिसाइड वाला पानी जो है वो इसमें डालना है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ जो है वो डायरेक्ट केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एक बात का आप स्पेशल ख्याल रखें कि ये काम करने के बाद हाथों को अच्छे से ज़रूर धोइए। कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम ही बल्ब लगाएं ताकि इसके बाद नहाना भी हो जाए। तो दोस्तों ये 40 डेज़ का अपडेट है और डेफिनेटली फ्लोरिंग का अपडेट भी आपको ज़रूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी गार्डनिंग।